नमस्कार, मैं चित्राक्षी चौहान आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम आरोग्य भरमान में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री श्री 1008 मंडलेश्वर आयुर्वेद आचार्य स्वामी भरमानपुरी महाराज जी। आइए उन सबका स्वागत करते हैं। नमस्ते स्वामी जी, आज हम आपसे जानेंगे कैंसर की किसी विशेष बीमारी के बारे में। बताइए कैंसर होता क्या है? कैंसर एक कोई बहुत बड़ा डिसीज है जिसके कैंसर आज के टाइम में समझ के चलिए तो 32 टाइप्स के कैंसर हैं। स्मोकिंग से भी होता है और एल्कोहल ड्रिंकिंग से भी होता है, पेस्टिसाइड केमिकल युक्त खाद्य पदार्थों से भी होता है। बहुत सारे रीजन्स हैं और अलग अलग कैंसर के अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग सिम्टम्स हैं और उसके अलग अलग ट्रीटमेंट हैं। जैसे आज से 2500 साल पहले जाएँ तो कोई ब्रेस्ट कैंसर नाम की चीज़ नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज लगभग एकदम हायर फैमिली में या लोअर फैमिली में दोनों में ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है। दोनों के एक रीजन है, गरीब महिलाओं के पास में उनको इतना खाद्य पदार्थ नहीं मिलता है कि उनके यहाँ दूध की इतनी व्यवस्था हो, दूध कम होता है, मिल्क ड्राई हो जाता है, सूख जाता है और वो कोशिकाओं को विकास रोकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। और आजकल अमीर वर्ग के बच्चे को अपनी माँ अपने बच्चों को दूध ही नहीं पिलाना चाहती है, ऐसी स्थिति में कहीं उसका सौंदर्य ना बिगड़ जाए, ऐसी स्थिति में भी वही चीज़ निर्माण होती है, मिल्क ड्राई होता है और कोशिकाओं को विकास रोक देता है, धीरे धीरे वो ब्रेस्ट कैंसर का स्वरूप ले लेता है। जी, जो कैंसर का पेशेंट होता है वो कैसे जान सकते हैं कि उसको कैंसर है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? कैंसर का पेशेंट कभी भी नहीं जान सकता बिना डायग्नोसिस के। उसके कुछ लक्षण हैं क्योंकि काफ़ी जैसे दर्द कोई बीमारी नहीं बट बीमारियों का आईना होता है, कैंसर का पेशेंट अपने आप नहीं जान सकता। जैसे मान लीजिए किसी को गांठें हैं शरीर में, कल यहाँ गले पे गांठ है या कहीं पर भी गांठ है, तो गांठ कई चीज़ों की होती हैं, ट्यूबोक्लाइसिस की भी होती हैं, रेड सेल्स की भी होती हैं। जब तक उसका सैंपल लेकर डायग्नोसिस नहीं किया जाएगा तब तक वो नहीं बता सकता कि हमको कैंसर है, बट उसके सिम्टम्स उसमें मिलने लगते हैं। जैसे उसका वेट कम होने लगा, हाइपर डिप्रेशन होने लगा, डकार लगा, उसमें गंदे इन्फेक्शन आने लगे, उसके बोन म्यूरोज वीक हो गए, पिंडलियों में अकड़न होने लगी, इस तरीके की चीज़ें हैं। बाकी बगैर डायग्नोसिस के कंप्लीट कोई नहीं कह सकता कि ये कैंसर है। कैंसर होता कैसे है? कैंसर होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पेस्टिसाइड। मान लीजिए कि एक बंदा डेली एल्कोहल ड्रिंक करता है, स्मोकिंग करता है, धीरे धीरे जा करके उसके लंग्स कैंसर हो सकता है, थ्रोट में भी कैंसर हो सकता है और उसके यूरिनरी में भी, फीमेल में ज़्यादातर कैंसर पाए जाते हैं। तो अनेक बीमारियों के अनेक रीज़न हैं लेकिन ट्रीटमेंट के भी अलग अलग तरीके हैं। जैसे मान लीजिए किसी के लंग्स में कैंसर है तो उसके ट्रीटमेंट का एक अलग तरीका है, किसी के यूरेट्रस में कैंसर है तो उसके ट्रीटमेंट का एक अलग तरीका है, ब्रेस्ट कैंसर है तो उसका एक अलग तरीका है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि आज तक आयुर्वेद को छोड़ के किसी भी थेरेपी में कैंसर को परमानेंट क्योरेबल नहीं माना गया है, क्योंकि इसके जो स्टेरिलाइजेसिस वायरस हैं वो रीजेनरेटिक होते हैं, वो आपके कैंसर से थोड़े दिन के लिए आगे ले जा सकते हैं बट ये जड़ से ख़त्म हो गया ऐसी कोई व्यवस्था सिवाय आयुर्वेद छोड़ के और कहीं नहीं है। इसकी कितने स्टेजेस होते हैं? सबसे जो खतरनाक स्टेज होती है वो कौन सी होती है? देखिए कैंसर की स्टेजेस की अगर आपको बात करें तो दो चीज़ समझ लीजिए कि जिस तरीके से अगर तीन चीज़ें आदमी मेंटेन रखे, उसकी इम्यूनिटी पावर मेंटेन रहे, उसका फ्लैट रेट मेंटेन रहे और सबसे बड़ी उसकी मानसिक शक्ति यानी उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी हो, उसके ब्रेन में एक अच्छी चीज़ हो, वो हमेशा पॉजिटिव रहे तो उसके लाइफ में कभी भी इसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। जैसे कैंसर आ चाहे ग्लोबल सर्वे को देखेंगे तो भारत में लगभग 35% लोगों की मृत्यु कैंसर से होती है। जब वो मरने लगते हैं या ऐसी स्थितियाँ आती हैं तो उनके शरीर के ब्लड का लेवल 3.5 से 4 हो जाता है और जब भी हमारा ब्लड लेवल 3.5-4% हो जाएगा तो हमें ब्लड कैंसर डिटेक्ट हो जाता है और इसी तरीके से उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर कई बार ब्लड कैंसर का एक और इंडिकेशन है, हमारा ब्लड पतला हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है। हमारा ब्लड पतला है तो HbA अगर हमारा 10 है तो 12, 13, 15 और 16 तक शो करता है, मतलब हम कहीं ना कहीं ब्लड कैंसर की तरफ जा रहे हैं, ब्लड पतला होता है। जबकि नेचुरली आफ्टर 45 हमारा ब्लड गाढ़ा होता है लेकिन आफ्टर 45 ब्लड पतला होने लगता है, ऐसी चीज़ें भी आती हैं इसमें। इसका इलाज है? अगर अंग्रेजी दवाइयों में देखे जाए तो सिर्फ कीमोथेरेपी एक इलाज होता है अगर, और आयुर्वेद में देखिए ऐसा हम आपको बताएं, कीमोथेरेपी इसका इलाज नहीं है।
केमोथेरेपी एक रोग का तरीका है। जैसे आपको बता दें कि एक व्यक्ति किसी चीज को पूर्ण रूप से सक्रिय करता हो और एक पार्ट निकालकर बाहर फेंक देता हो। माना किसी फीमेल को यूरेट्रस में कैंसर है, साइड में रेक्टम है, लिम्फोड है, उसमें डॉट्स आ चुके हैं। अगर मान लीजिए अगले ने ओपन सर्जरी करके उसको क्लीन कर दिया है, इंजरी एरिया निकाल दिया है, लेकिन उसके वायरस नहीं खत्म होते हैं, केमियो का रीजन है। केमियो यानी उसको सेंक देते हैं, उसको हाई प्रोटेंसी की मेडिसिन देते हैं, संरक्षित कर देना, कि जो हमारा वायरस अब सीमित हो गया, उसको हम सीमित कर देते हैं, लेकिन वो दोबारा जनरेट नहीं होगा, वो उसके विंडो पीरियड के बाद दोबारा जनरेट होता है। अब कभी भी जैसे हम केमियो देते हैं तो उसके साइड इफेक्ट हैं। अगर मान लीजिए एक पेशेंट का आज एच बी लेवल 12 है और आज हमने उसको अभी केमियो दे दिया है, तो अगले 12 घंटे के अंदर उसका एच बी लेवल 7 हो जाएगा, उसके सिर के बाल गिर जाएंगे, बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। केमियो उसका निदान नहीं है, और ऑपरेशन से उसकी उम्र बढ़ा दे सकते हैं ये लोग जो हैं, लेकिन उसको परमानेंट कवर नहीं कर सकते। और आयुर्वेद में है इसका इलाज, लेकिन पेशेंट को हमें ज़्यादातर उसकी मानसिकता पूर्ण रूप से आत्मविश्वास करें कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और जो चीज़ें हम बताते हैं उसे नियमित और संयमित रहे, तो एक नहीं 1000% आयुर्वेद में इसका इलाज है। आपके आयुर्वेद में इलाज है इसका, तो आप कैसे करोगे उनका इलाज? हमें उस पेशेंट को सबसे पहले देखिए, आजकल कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता होता, वो कहते हैं जी मैं वैद्य हूँ, मैं हकीम हूँ। और किसी भी रोग का निदान आदमी तब कर सकता है जब उस रोग को जाने और उस रोग के होने के कारणों को जान ले। अगर वो कारण को नहीं जानता है, रोग को जानता है, तो भी निदान नहीं कर सकता है। तो इसमें हमें आयुर्वेद में सबसे पहले उसकी रिपोर्ट्स देखनी होती हैं कि वो कितना परसेंट बढ़ चुका है। उसका ब्लड कैंसर है तो कितना बढ़ चुका है, उसका WBC कितना है, उसका यूरिक एसिड कितना है, उसकी LFT KFT रिपोर्ट चेक करनी चाहिए, और यूरिन टेस्ट में है या थ्रोट में है, आहार नाल में है, ब्रेन में है, कहाँ है और कितना बढ़ चुका है, इसके ऊपर है। अगर मान लीजिए हमारे पास आने वाले केस का ऑपरेशन हो गया, तो हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होता है, और अगर बिफोर ऑपरेट आता है तो उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है, हम 100% उसके ट्यूमर्स को भी डिजोल्व कर सकते हैं और उसको परमानेंट क्योर भी कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि ब्लड कैंसर है, जी ब्लड कैंसर होता है कि अगर किसी को पूरे पूरे ब्लड में कैंसर है, तो वो क्या क्योरेबल है या नहीं है, क्योंकि उसके पूरे ब्लड में है, वो पूरा ब्लड तो हम निकाल नहीं सकते। नहीं, आपको बता दें कि आजकल आधुनिक व्यवस्था ऐसी भी है कि मान लीजिए अगर किसी को ब्लड कैंसर है तो उसका पूरा ब्लड ही चेंज कर दिया जाता है, लेकिन वो उसका परमानेंट निदान नहीं है। जैसे किसी को स्टोन है, हमने स्टोन का ऑपरेशन कर दिया, लेकिन वो परमानेंट स्टोन का निदान नहीं है, क्योंकि हमें उसके लिए दोबारा स्टोन जनरेट ना हो उसको देखना है। अब स्टोन जनरेट होता है कैल्शियम अनबैलेंस होने से, क्षार और अम्लीय पानी पीने से। तो ये ब्लड कैंसर में एक ही तरीका बचा है। ब्लड कैंसर और थैलीसीमिया दोनों के लगभग कुछ मिलते जुलते सिम्टम्स हैं। तो जैसे ब्लड कैंसर में भी पूरा ब्लड आपने निकाल दिया है ना, तो उसमें आपको दोबारा जो ब्लड देना है, अब आप कहाँ से लाएंगे वो ब्लड, कहीं ना किसी से अटैच करेंगे या ब्लड बैंक से लाएंगे, वो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो उसमें दिक्कत ही होती है। बस ये है कि टेम्परेरी है, थोड़े समय तक चलते रहिए, बाकी उसका कोई इलाज नहीं है। आपने जैसे बताया आपके आयुर्वेद में इलाज है, तो वो कितना लंबा चलता है और उसे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं जो आपके इलाज को करने के लिए, ताकि वो जल्द से जल्द सही हो जाए? आयुर्वेद के अंदर जो इलाज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 महीना मैक्सिमम है, और उसके लिए ज़्यादातर जो हमारा कैंसर पीड़ित पेशेंट होता है उसको ये ध्यान रखना है कि वो डिप्रेशन में ना जाए। खाने पीने की जो चीज़ें हैं ज़्यादातर थोड़ा थोड़ा ले, और लिक्विड आइटम्स ज़्यादा ले वो, जैसे बीट कार्क है, चीकू है, मौसमी है, अनार है। और अगर साधारणतया उसको बचना है कुछ नहीं, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ जो केमियो से रिजल्ट नहीं, वो इनमें हो जाएगा। 200 ग्राम गोमूत्र लें, और उसके बाद उसमें शीशम की जो ऊपर वाली कोमल पत्तियाँ होती हैं वो 20 से 25 पत्तियाँ डाल लें, खसखस डाल लें, और सफ़ेद मंदार के 10 फूल डाल लें। इसका गोझरण अर्क बना करके अगर सुबह शाम आधा आधा कप लेंगे तो कैंसर ऐसे ही नियंत्रित में रहेगा। एक कैंसर पेशेंट जो होता है, वो अपनी जब उसे कैंसर होता है, वो क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं अपनी लाइफ में, कि लाइक कई लोग डर जाते हैं कि भाई कैंसर है, हमारे को क्योर नहीं हो पाएगा, हम कैसे उसे करेंगे, तो वो कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकता है
देखिए, कैंसर पेशेंट हो या कोई भी असाध्य रोगी हो, तो उसको तो पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा उसको ज़रूरत होती है उसके पेरेंट्स की, उसके परिवार की, उसके बच्चों की। कोई यहाँ पर परमानेंट रहेगा और अमर होकर के तो आता नहीं है। जिंदगी मौत परमात्मा के हाथ में होती है, बट हमारे पेरेंट्स उसको पॉजिटिव एनर्जी कि नहीं जी, आपको कुछ नहीं होना है। आज हम आप, बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने कि आज हम आप जिनके लिए जीते हैं, जिनके लिए करते हैं, अगर वही अंत समय में हमारे साथ ना आए तो आदमी को कहीं ना कहीं फीलिंग होती है। आदमी दौलत लुटा दे, रुपया लुटा दे, पैसा लुटा दे, लेकिन अगर अपने बीवी बच्चे उसका साथ नहीं दें और एक वो अच्छा पिता और अच्छा पति ना बने, तो कहीं ना कहीं उसको भी फीलिंग होती है। हमें हमारे माँ बाप ने बड़ा किया। जैसे मान लो उनको कैंसर हो गया, तो कई बार लोग भ्रांति बात करते हैं कि भाई हम इसको कैसे छुएंगे, गंदा करता रहता है, ये करता रहता है। तो ऐसे समय पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि मैं उसी का बेटा हूँ, जब मैं छोटा था मैंने इसके शरीर पे बहुत गंदा किया, कि 1000 बार बोला लेकिन इस बाप ने मुझे कभी मना नहीं किया। तो उसको कोऑपरेशन या तो पेशेंट को पेरेंट्स को देने की ज़रूरत होती है कि मैं इनको कोऑपरेट करूँ। ऐसा नहीं यार कैंसर हो गया तो बहुत पैसा लगेगा, उसे सिर्फ आत्मग्लानि होती है, उससे दूर रखें और खान पान में ध्यान रखें। पहले ज़माने में कैंसर इतना फेमस नहीं था, आजकल ये बहुत ज़्यादा बहुत कॉमन बीमारी हो चुकी है। तो कैंसर आया कहाँ से है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पहले ज़माने में अगर आपकी कैंसर की बात कर रहे हैं, तो पहले ज़माने जैसा अब हमारे पास आहार विहार भी नहीं रह गया है। पहले जो हम लोगों के यहाँ पूर्ण रूप से शुद्ध आवश्यक था, अगर आपसे भी अगर पूछा जाए तो आधे से ज़्यादा फसलों के नाम ही नहीं पता है आपको। अगर हम कहेंगे मटर खाना है तो आप मटर कहोगे, लेकिन मटर की 2-3 प्रजातियाँ आपको पता नहीं है, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए कि भी देसी घी खाना है, तो आप कहेंगे बस घी पता, पता नहीं कौन सा देसी घी और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो हमें खान पान में हमें न्यूट्रिशियस फ्रूट जो है वो हम कहीं खा ही नहीं रहे। बुजुर्गों के लिए, जैसे एक महिलाओं की तरफ जाएंगे या पुरुषों की तरफ जाएंगे, हमारे यहाँ की शिक्षा की सबसे एक बड़ी व्यवस्था होती थी कि जो 7 साल तक हमारे घर में एक बेसिक ब्रॉड एजुकेशन कहते थे, उसके बाद ही बच्चे को हम स्कूल में भेजते थे। माँ से कैसे बात करनी, पिता से कैसे बात करनी, जीवन कैसे जीना, ये अध्यात्म शिक्षा संस्कृति सबसे बड़े हमारे माँ बाप के पास मिला करती थी। पूर्व समय में हम प्रकृति से जुड़कर चला करते थे। अब तो मेरे ख्याल से अगर कहा जाए नंगे पैर चलो तो आपके पैर में दर्द हो रही है, आप लोग प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं। अब ये आया कहाँ से? कहने का श्रेय मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पैर में नॉर्मली जा रहे हो, ये कीचड़ लग गया है और वो गंदा मिट्टी है, तो एक्सटर्नल वो आपको इचिंग करता है या नहीं करता है? जब नॉर्मली एक्सटर्नल एक कीचड़ इचिंग कर रहा है, तो आप जो खा रहे हो उसका साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे होना है या नहीं होना है? आप तो टोटल पेस्टिसाइड और केमिकल चीजें खा रहे हो, आप ओरिजिनल चीज खा ही नहीं रहे हो कभी भी। तो मैं तो ये होता क्या है कि खाना सबको है पर उगाना किसी को नहीं है, और जो उगाएगा उसे आप हीन दृष्टि से देखते हैं। तो हमारे कहने का श्रेय है कि आप प्रकृति से जुड़ करके रहेंगे, जो हम पेस्टिसाइड युक्त या केमिकल युक्त आहार विहार करते हैं, हमारा डाइजेशन नहीं। और हम इसका एक बहुत बड़ा कारण नशा है, स्टेटस सिंबल बन गया। पहले जो है ना, गरीबी में आदमी अपना घर नहीं चला पाता था तो उसके कपड़े उतर जाते थे गरीबी में, अब आज अमीरों के कपड़े छोटे होने में स्टेटस सिंबल बन गया। पहले अगर कोई सिगरेट पान बीड़ी पीता था तो उसको रोक दिया जाता था, नशा करता था उसे रोक दिया जाता था, अब उसके बिना हमारे सोच नहीं पूरे होते, कार्यक्रम ही नहीं पूरे होते। तो मेरा ये मानना है कि कैंसर जैसी बीमारियों को हम खुद न्योता देते हैं कि आ गले लग जा। अगर हम प्रकृति से जुड़ जाएं, खान पान पे व्यवस्था रखें, तो हम इससे दूर रह सकते हैं। जैसे ये आपने बोला कि लोग नशे की वजह से कैंसर होते हैं, होता है तो कैसे उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि नशा भी करके कैंसर हो रहा है? बिल्कुल, आपको जो वो सही आप डीप जानना चाह रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ आपको। जैसे हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो किस लिए बने और क्या क्या यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमने अल्कोहल ड्रिंक लेना चालू किया, हमारी बॉडी में काफ़ी चीज़ों को जनरेट करने के हार्मोन्स पॉइंट्स ब्रेन में है। हमने डेली अल्कोहल लेना चालू किया, डेली अल्कोहल चालू किया, डाइजेशन बिगड़ गया, हमारे जो 150 बीटा सेल्स हैं, 6 सिक्वेंसेज हैं, वो डेथ हो गए, विवेक क्षीण हो गया, बुद्धि क्षीण हो गई, और धीरे धीरे हमारी बॉडी डिमांड करने लगी, बी वांट एल्कोहल, बी वांट एल्कोहल। और जब बार बार एल्कोहल आप लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट आपके शरीर पे पड़ने लगा, नर्वस सिस्टम आपका ख़त्म होने लगा, आपके लीवर में जा करके कैंसर होने के चांसेस बन गए। अगर आप स्मोकिंग कंटिन्यू करते रहते हैं तो आप ये मान करके चलिए कि आपके लंग्स में कैंसर के चांसेस बन जाते हैं। और अगर आज जो हमारे भाई बहन, मेरा एक सर्वे आया था 4 साल पहले,
मेरा जब फाउंडेशन का काम चल रहा था कि भारत का एक बच्चा जो बेरोजगार है वो भी कम से कम 700 से 800 रुपये महीने का व्यसन करता है। मैं भी जैसे आप ये मान के चलिए कि गुटखा एक बहुत बड़ा शौक चला था, बिना गुटखा रजनीगंधा के लोग जीते नहीं, वो भी एक स्टेटस संबल, उससे माउथ कैंसर होता है। उसका पहला इंडिकेशन है कि अगर आप अभी मुंह करेंगे आ तो इतना खुल रहा है, लेकिन गुटखा खोलने वाला जब आ करेगा तो मुश्किल से एक या दो फिंगर्स जाएंगे उसकी, और एट लास्ट में उसको माउथ कैंसर हो जाएगा। तो हम खुद ही बुला रहे हैं आ गले लग जा रोग को। अगर हमें निरोगी रहना है तो आहार विहार शयन विचार और संगति पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। बाकी हमारे पास 110% हर बीमारियों का इलाज है। रोगी की तरफ से मुझे परहेज और मानसिकता उसकी अच्छी हो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ मेरे साथ जुड़े, 110% हम उसे मतलब कैंसर से निदान देने का चैलेंज करेंगे। इसकी क्या गारंटी है कि आयुर्वेद में 110% इलाज है? अगर बाई चांस जो आपकी दवाई लेता है वो क्यों लेगा, और उसको उसकी कैसे मतलब गारंटी मिलेगी कि अगर मैं दवाई ले रहा हूँ इस कंपनी की तो मुझे 110% इलाज की वो मिलेगी? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, क्योंकि आजकल कोई पैसे दे करके आता है, कोई दवा खाता है, किसी को धोखा नहीं मिलता। और इसके लिए एक आधुनिक युग आ जाने से है ना, आयुर्वेद से लोगों का विश्वास टूट गया है, और हमारे जो लोग हैं नेचुरल नॉलेज लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। आजकल आयुर्वेद में एक एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ आपको, कभी भी जो लोग बैठे होंगे जा करके छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। आपने वनस्पतियों में अगर देखा नहीं होगा तो एक वनस्पति होती है छुई मुई, वो छोटी सी वनस्पति होती है। आज आपकी गाड़ियों में सेंसर लगा है, चैनल पे लगा है, तो आपको बड़ा आनंद आता है ना, लेकिन प्रकृति में यह व्यवस्था है। छुई मुई का पेड़ होता है, आंवले के पत्ते जैसे छोटे पत्ते की जमीन में होती है, अगर आपने उसको उंगली लगाया ना तो अपने आप सिकुड़ जाती है, लाजवंती कहते हैं उसे आयुर्वेद की भाषा में। आपने उसको छुआ भी नहीं अभी, लेकिन वो दूर से सिकुड़ गई है, और जैसे ही आपने हाथ हटाया वो अपने आप फैल गई है। अब हमारे प्राकृतिक वस्तुओं से बढ़कर के एनर्जी किस में है? अगर आपके छूने से, आपके इंडिकेशन से वो वनस्पति जुड़ जाती है और छोड़ने से फैल जाती है, इससे बड़ा सेंसर है का? आपको और ऐसी ऐसी चीजें दिखाएंगे कि कटी हुई मछली को डालिएगा, एक बार उसको काट कर उसका अर्क लगा दो, मरी हुई मछली भी दो बार कूदने लगेगी। निर्भर करता है कि आयुर्वेद में, मैं ये नहीं कहता हूँ क्योंकि प्रोजेक्ट बेचना या नहीं बेचना है मेरा विषय नहीं, मेरे तो यह है कि सत्य को कभी है ना प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आज कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इसका ज्ञान नहीं है और इसका शुद्धिकरण सही तरीके से नहीं कर रहे, इसलिए उनका विश्वास उठ गया। चलिए अब आपकी बात पे आते हैं कि मान लीजिए मैंने 10 लोगों की ओपनिंग भी दिखा दी कि भाई आप जैसे लोगों ने आकर के कह दिया कि भाई मैंने ठीक हुआ, मैं ठीक हुआ, मैं ठीक हुआ, लेकिन वो सारी बातें झूठ हैं। कस्टमर यानी रोगी जो खुद पर प्रयोग करेगा वो सबसे बड़ा प्रमाण होगा। जैसे कि आपने बताया कि जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो उन लोगों को ज़्यादा कैंसर होता है। जो 6 साल का बच्चा है उसने ना तो कुछ खाया है बाहर का, ना उसने कभी अल्कोहल स्मोक करी है, फिर भी उस बच्चे को कैंसर है, क्यों? ऐसा है कि अल्कोहल पीने की चीज़ है, स्मोक की नहीं है, आप ये ध्यान रखिए। दूसरी ये व्यवस्था है कि आपने जैसे कहा कि 6 महीने का बच्चा है और उसको भी कैंसर है, जबकि वो बच्चे की खेलने की उम्र है, खिलौने की उम्र है, एजुकेशन की उम्र है। कई चीज़ ऐसी होती हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे माता पिता में कोई भी बीमारी अगर माइनर है तो बच्चे में मेजर बन के आती है। जैसे माता पिता में एक बीमारी होती है थैलीसीमिया, जिसमें ब्लड कम होता है और ब्लड बाहर से चढ़वाए जाते हैं, बोन म्यूरोज वीक होते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर माता पिता के अंदर माइनर प्रॉब्लम है तो वह बच्चे में आ जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक उसी तरीके से आप कैंसर की बात कर रहे हैं, तो कैंसर की दवाइयां जो होती हैं कई बार हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनकी गलती से भी हो जाती हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। जैसे कैंसर की बात तो नहीं करूंगा लेकिन आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए किसी को ब्रोंकाइटिस है, सूखी खांसी है, डॉक्टर जो भी ट्रीटमेंट करता है सिम्टम्स के बेस पे करता है, वो है सूखी खांसी लेकिन उसे वो टीबी का ट्रीटमेंट दे देता है, एक सिम्टम्स के बेस पर उसे खांसी आ रही है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए, उसको लगता है कि भाई अभी से टीबी हो गया है, वो टीबी की हाइपोटेंसिव मेडिसिन देता है और उसका साइड इफेक्ट बच्चे में बन जाता है। हमारे एक्सपीरियंस में हमने कई ऐसे लोगों को देखे हैं जिन्हें कैंसर के नाम पर लाखों रुपए फूंक दिए लेकिन लास्ट में उनको डायग्नोसिस किया अपने तरीके से तो कैंसर था ही नहीं।
ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि जो बच्चा है जैसे प्री मैच्योर डिलीवरी है, उसके मुंह में गंदा पानी चला गया है, नाड़ फंस गई है, या लीवर में इन्फेक्शन हो गया है, HB लेवल कम हो गया, तो ऐसी स्थिति में भी कैंसर हो जाता और एक आजकल दिल्ली में इतना पोल्यूशन हो रहा है, है। इतना ज़्यादा नशे हो रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है। एक बंदा जो दिल्ली पोल्यूशन से दूर रहता है, अल्कोहल से भी दूर रहता है, और उसको जेनेटिक बीमारी भी नहीं है, जी फिर भी उसको कैंसर हो रहा है, कैसे? बहुत सही है, आपने जो कैंसर की बात करी है, मैं भी ऐसी सीन आता है, नहीं परमानेंट तो होता नहीं, कई बार ऐसा है कि हिमालय की कंदराओं में बैठे हुए लोगों को भी कैंसर हो जाता है। कैंसर जो है डिजीज दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सटर्नल डिजीज है और एक इंटरनल डिजीज है। जैसे स्क्रीन में सोरायसिस, एक्जिमा, ये इंटरनल डिजीज है, लेकिन शुरुआत सबकी इंटरनल ही होती है। सारी बीमारियों की माँ जो है या कहीं ना कहीं रिलेशन डाइजेशन से ही लिया जाता है। अब वहाँ कैंसर की शुरुआत के रीजन आपको बता दें, कई बार हम जो साप्ताहिक या हफ्ते में एक दिन का व्रत रखते हैं, उसका भी एक मूल कारण होता है। जब आदमी बाहर रहता है तो उसको आहार विहार सहन की प्रक्रिया नहीं होती, उसकी बौद्धिक क्षमता कम होती है। वो सुबह उठा, नहाया धोया, ब्रश किया और उसके बाद बस भोजन कर लिया, फिर गया, फिर भूख लगी, भोजन कर लिया, लेकिन वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। और उसके हिसाब से उसको जैसे भोजन करने के बाद उसको तौर तरीके का ज्ञान नहीं है। भोजन करने के बाद आप अगर तुरंत चेयर पर बैठ के वर्क करेंगे 2 घंटे 4 घंटे, तो आपको तकलीफें होने लगेंगी। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे लीवर में जो हमारे आहार नाल से, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अन्न गया, उसमें सड़न फैल जाती है, और वो सड़न फैलने से हमारे अंदर जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं वो विपरीत दिशा में काम करना चालू करते हैं, इससे भी कैंसर की शुरुआत होती आप एक आयुर्वेद आचार्य हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि आयुर्वेद में और एलोपैथ में क्या डिफरेंस है, तो आप कैसे अपने दर्शकों को बताएंगे? है। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, एक माँ से अगर बेटा सवाल करे कि माँ मेरे में और तुझ में क्या अंतर है, तो बस वही अंतर जो माँ और बेटे में होता है ना, वही अंतर आयुर्वेद में और एलोपैथ में है। आयुर्वेद सारी थेरेपी की माँ है। अगर हम मेडिकल थेरेपी की कैप्सूल लेते हैं, तो उसमें कैप्सूल बनाने के लिए स्टार्च की ज़रूरत है, और स्टार्च मक्के से होता है, जो मक्का आयुर्वेद में गिना जाता है। हमारी जितनी भी थेरेपीज हैं कहीं ना कहीं आयुर्वेद से रिलेटेड हैं, और हमारे और उनके दोनों के वर्क में आज तो चलिए ठीक है, थोड़ा व्यवस्था बन गई है। एलोपैथ पहले रिपोर्ट करता है, टेस्ट करता है, बाद में मेडिसिन देता है, उसके बाद बोलता है ठीक होगा या नहीं, ये एलोपैथ की थेरेपी है। लेकिन आयुर्वेद पहले ठीक करता है, उसके बाद बताता है कि आपको ये बीमारी थी। दूसरा यह है कि जैसे किसी के नसों में NH4 NH3 हार्ट में ब्लॉकेज है, तो एलोपैथ क्या करेगा, उसको काट देगा, स्टेंट लगा देगा, ट्रांसफर कर देगा, और आयुर्वेद अपनी दवाओं से बिना ऑपरेशन के उसको सर्कुलेट कर देगा, उसके निदान कर देगा। ये दोनों में डिफरेंट है। तो ऐसे तो होम्योपैथी भी धीरे धीरे आपको दवाई दे के, पहले बीमारी बता के दवाई दे के इलाज करता है, तो फिर ऐसे तो होम्योपैथिक और आयुर्वेद तो एक होने चाहिए। एक ही है, आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, मैंने बताया नहीं, ये माँ है। होम्योपैथिक में सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट एक ही, दोनों के बेस अलग है। जैसे मान लीजिए हमने कोई मेडिसिन बनाई है, तो हमारा बेस त्रिफला है, लेकिन वहाँ जो बनाई जाती है उसका बेस एल्कोहल और बकरी का दूध है। हमारी हर्बल की चीज़ें तो एलोपैथ में मेडिसिन की जाती हैं, इसमें रस रसायन शास्त्रोक्त पद्धति क्वाथ की प्रयोग विधि है, उसमें एल्कोहल यूज होता है होम्योपैथिक में, और बकरी का दूध यूज किया जाता है। यही रीजन है कि उसको कभी हाथ से लगा करके नहीं खा सकते आप। आयुर्वेद की ही ग्रासियर से, आयुर्वेद की ही ग्रास आइटियम से 95% मेडिसिन बनाई जाती है, होम्यो में भी। आई गेस आपकी पहली कंपनी होगी जिन्होंने कैंसर की दवाई निकाली और इतने कम ड्यूरेशन में उसको क्योर करने का किया है। तो अभी तक आपने किसी कैंसर के पेशेंट को क्योर किया है? देखिए मैंने एक नहीं कई पेशेंट ऐसे किए हैं जिसमें ब्रेस्ट कैंसर के भी पेशेंट रहे हैं, ह्यूरिस्टिस कैंसर के भी रहे हैं, ब्रेन में भी कैंसर रहा है, उनके भी पेशेंट रहे हैं, और मैंने हर पेशेंट को ठीक किया है। और मेरा एक नेचर है कि मैं कभी भी ड्रीम लाइफ में भरोसा नहीं रखता, इमोशनल लाइफ में भरोसा नहीं रखता, मैं हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ जीता हूँ और प्रैक्टिकल लाइफ में ही भरोसा करता हूँ। मैंने जिन चीज़ों को किया है उसी की बात करता हूँ, और जो कार्य मैं करता नहीं उस विषय पे कभी चर्चा नहीं करता। मुझे मुझसे ज़्यादा विश्वास आयुर्वेदिक वनस्पतियों पे है
क्योंकि मैं तो परमात्मा का भेजा हुआ एक माध्यम हूँ, सिर्फ उसके सही तरीके से इस्तेमाल, सही तरीके से शोधन और प्रयोग करता हूँ। जिस तरीके से मैं प्रयोग करता हूँ, हमारा जो रोगी है उसका पूर्ण रूप से आकर के हमारे साथ कोऑपरेशन करें। मान लीजिए हमने आपके कैंसर पेशेंट को, क्योंकि ये निगेटिव हो जाता है, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि कैंसर, क्योंकि यहाँ देखिए पॉइजन को मारने के लिए पॉइजन की ही ज़रूरत होती है। कई बार ऐसा होता है, आपने सुना होगा कि कैंसर का पेशेंट है, डॉक्टर्स ने कहा भी 6 महीने जीना है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, पीना खाना नहीं है। वो घर जाता कहता भाई जी भर के अब तो पी लेने दे, मरना ही है ना तो पी के मरेंगे, जब तक जी तब तक भी मर जाएगा, कौन बोलेगा पी। और उसकी कुछ ऐसी चीज़ें रहती है, नौसादर होता है उसके अंदर, उससे नॉर्मल हो गया, वो थोड़ा सा रिलीविंग में आ जाता है। और यही चीज़ है कि मैं उसको बोल रहा हूँ कि आपको मांसाहार नहीं खाना है तो नहीं खाना चाहिए उसको, मैं कह रहा हूँ उसको ड्रिंक नहीं करना है तो नहीं करना चाहिए, उसे मेरे से पूर्ण रूप से कोऑपरेशन की ज़रूरत है और उसे मुझे कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। एलोपैथ में देखा जाए कैंसर का सबसे ज़्यादा महंगा इलाज होता है, लाखों लाखों लग जाते हैं, जो कि एक गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। जी क्या आपकी दवाई हर कोई अफोर्ड कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, एक गरीब आदमी भी कर सकता है, अमीर आदमी भी कर सकता है। आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ हर बीमारी का इलाज 10 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक होता है। 10 रुपये में भी हम इलाज कर लेते हैं और 10 लाख में भी कर लेते हैं, लेकिन अमीरों का जो स्टेटस सिंबल है इतना बुरा है कि अगर उनसे कहा जाए कि 200 रुपये में आपका कैंसर ठीक हो जाएगा तो वो बिली भी नहीं करेंगे, उनको बड़े हॉस्पिटल में जाके गंवाने में मज़ा आता है। हमारे यहाँ हम मंदार से इसको ठीक कर सकते हैं, अंबर से ठीक कर सकते हैं, बिच्छू घास होती है उससे ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, अगर पेशेंट हमारा कोऑपरेट करे तो हम इसे 1 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की दवा में इसको ठीक कर सकते हैं, निर्भर है उसका पूर्ण विश्वास और मेरे तरीकों को कैसे इस्तेमाल करता है। कई बार हम लोगों को, आज बता दूं, झूठ बोलना पड़ता है। कई बार अमीर लोग आते हैं, उनको हम कहते हैं कि भैया 20 रुपये की चीज़ है इसे खा लो, तो वो कहेंगे अरे जब करोड़ों वाले डॉक्टर नहीं कर सके तो 20 रुपये में क्या कर सके। तो ये चीज़ उनके विश्वसनीयता की ज़रूरत होती है। मूली के पत्ते से भी जॉइंटिस खत्म होता है मोतीजार, मूली के पत्ते से, कंटकारी से भी खत्म होता है, खाली गन्ने के रस से भी ठीक किया जा सकता है उसकी प्रक्रिया करके, लेकिन एक अमीर आदमी उसको लाइक नहीं करेगा, बोलेगा यार जब करोड़ वाले लाख रुपए इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं कर सके तो इसको ये महाराज कैसे कर देगा। और मूली से, मूली तो हम रोज खाएं अपने घर में साग सलाद में, इतने के होने वाला ऐसा है, तो उसकी विश्वसनीयता भी काफी चीजें निर्भर होती है। तो आयुर्वेद में सिर्फ जो स्टार्टिंग से कैंसर होता है, जो छोटी स्टार्टिंग एक स्टेज होती है, क्या वो ही क्योर हो सकती है, या जो लास्ट स्टेज है उसे भी क्योर कर सकते हैं? देखिए ऐसा है कि कैंसर में, मैंने आपको बता दूं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फाइव स्टेज होता है, इसकी परसेंटेज में डेवलपमेंट होती है। जैसे मान लीजिए ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन में ट्यूमर से कैंसर हुआ तो कितना परसेंट फैल गया है, टंग्स में कैंसर है, थ्रोट में कैंसर है, आहार नाल में कैंसर है, यूरेट्रस में कैंसर है, ब्रेस्ट में कैंसर है, लीवर में कैंसर है, किसी भी लेवल में मैं हर चीज़ को ठीक कर सकता हूँ। और लोगों को ये बता दूँ कि जब तक इसे केमियो या ऑपरेट नहीं करते हैं तब तक हमारे हाथ पूर्ण रूप से खुले होते हैं, हम उसको जल्दी से जल्दी बिना ऑपरेशन डिजॉल्व भी कर सकते हैं और केमियो की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर कैंसर पेशेंट का इम्यूनिटी पावर बैलेंस में है, WBC बैलेंस में है, बोन मेरो सही है, ये और बाकी सारी चीज़ें बैलेंस में है, तो इस डिजीज की कोई मीनिंग नहीं होती है, कोई मतलब वो नुकसान नहीं करेगा, चलता रहेगा। लेकिन अगर बाई दबे, अगर सामने वाले ने ऑपरेशन भी करवा लिया और केमियो भी करवा लिया और एकदम डेड कंडीशन में हो, तो ऐसे की स्थिति में हमारी जो दवाइयाँ वो स्लो काम करती हैं। इनको इम्प्रूव करने के लिए 10 to 15 days या काफ़ी पेशेंट को महीने भी लग सकते हैं, और उससे पहले वो जाने वाला है तो शमशान में जाने का रास्ता, और हमसे आकर के दवा बोलेंगे तो मैं तो भी विधाता हूँ नहीं, जिंदगी मौत हमारे हाथ में नहीं है, जो मुझे टाइम पीरियड चाहिए उतना मिलता है। तो हर स्टेज की, चाहे फर्स्ट स्टेज हो या लास्ट स्टेज हो, वहाँ तक के पेशेंट के हम रोग का निदान करने का चैलेंज करते हैं, कैंसर मुक्त करने का चैलेंज करते हैं, बाकी जिंदगी और मौत ये प्रकृति के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है, मैं वैद्य हूँ, कोई भगवान नहीं। क्या आपने किसी ऐसे पेशेंट का इलाज किया है जो एकदम डेड कंडीशन में हो, उसने ऑपरेशन भी करवा रखा और कीमो भी करा रखा है और उसको काफी ज्यादा साइड इफेक्ट हो कीमो थेरेपी से? ऐसे काफी पेशेंट हैं हमारे, लेकिन विषय ये होती है कि मैं, अगर हमारे पास जब चैनल्स पे चलते हैं तो टाइम का अभाव होता है, और अगर हम उस पर अपनी ओपिनियन दिखाकर खाली TRP इकट्ठा करेंगे तो लोगों की सेवा कब करेंगे।
हमने कितने भी ओपिनियन दिखाए वो सारी बातें मिथ्या होंगी, लेकिन मैं ये कहूँगा जो शो आप देख रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, ये बात भी झूठी, आप जो सुन रहे हैं वो भी झूठी। कैंसर के पेशेंट को मेरे यहाँ लाने से पहले आप रिपोर्ट कर लीजिए और बाद में भी कर लीजिए, वो जो रिपोर्ट आएगा वो प्रामाणिकता होगी। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो में आए और हमें कैंसर के बारे में जानकारी दी। दर्शकों आज के लिए बस इतना ही, अब मुझे दीजिए आज्ञा, धन्यवाद।